वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरन जोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज फॉर क्लास 9, दैट इज वी आर ऑलरेडी एट द 7th चैप्टर ऑफ दिस क्लास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल्स। ओके, वी आर ऑलरेडी डन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो एग्जाम्पल 1। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 साइड बाय साइड। दिस इज एग्जाम्पल 3। ओके, लेट्स डू द फर्स्ट दिस वन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये इसकी फिगर हमें दी नहीं हुई, तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट आपने बना लेनी है ए बी, एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे निकल रहा होता है। वो कैसे बनता है, हम कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक आपने कंपास ले लेनी है, यहाँ पे रख लेना उसका पॉइंट ए के ऊपर, ये जो पॉइंट है ये वाला, ओके ये वाला पॉइंट है, थोड़ी सी हाफ से थोड़ी ज्यादा खोल लेनी है और ऐसे आर्क लगानी है ऊपर और नीचे, ठीक है। जितनी खुली हुई प्रकार कंपास आपकी उतनी ही खुली रहनी देनी है, यहाँ पे रख लेनी है अब, और ऐसे जो पहले आपने आर्क लगाई है उनको क्रॉस कर देना है। तो जो आप उसको ज्वाइन करते हो ना फिर इस लाइन को, तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। तो जो उन्होंने बोला था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल लाइन है, तो ये वाली लाइन है एल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, एक तो ये 90 डिग्री होती है विद रिस्पेक्ट टू ए बी, परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ। बाइसेक्टर का मतलब ये जो है जहाँ से क्रॉस कर रही है, अगर ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं तो ये दोनों, ये सी पॉइंट ए बी लाइन को हाफ में डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है ना परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ए सी और सी बी इक्वल है, तो ये गिवन है हमें एक तरह से। और क्या कहा था उन्होंने, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, एल लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लो, ये ले लिया मैंने पॉइंट पी। हमने ये प्रूव करना है कि पी जो है ए से और बी से दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। ज्वाइन कर लो, स्केल के साथ करना है आपने, ठीक है, मेरे पास नहीं है। हमने ये प्रूव करना है ये पी ए और पी बी इक्वल है, सर डिस्टेंस हम ऐसे देखते ना सीधा सीधा डिस्टेंस, तो ये पी ए और पी बी इक्वल प्रूव करने हैं। गिवन क्या है हमें, लाइन एल है जो परपेंडिकुलर है ए बी के, ओके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था एक्चुअली, लाइन एल इज perpendicular bisector of AB, that is अगर ये perpendicular bisector है that means AC is equals to CB हुआ, that is दोनों है half of AB, ये हमें given है और perpendicular given है, तो that means ये 90 degree है angle, ये वाला ये 90 degree, तो ये भी 90 होगा क्योंकि perpendicular दोनों तरफ 90-90 बनाता ना। प्रूफ क्या करना है हमने, पी इज इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, किससे ए एंड बी से, पी इससे भी सेम डिस्टेंस पे, इससे भी दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, पी ए और पी बी डिस्टेंस सेम है, दोनों से एक तरह की दूरी से है, पी ए इज इक्वल टू पी बी प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले देखिए दो ट्रायंगल्स लेने हैं पी ए सी और पी बी सी, मैंने सीधा ट्रायंगल्स क्यों लिख दिए, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है जो मैंने रूल्स किए हैं एस ए एस या ए एस ए, दो रूल्स किए हैं, उनमें से एक रूल लग पा रहा है, कैसे ए सी सी बी के बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो ये इसके बराबर है, क्यों सी मिड पॉइंट दिया हुआ है, पी सी बी सी दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, ओके और इन दोनों के बीच में ये जो है 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों इक्वल हुए ना परपेंडिकुलर होने के कारण, दोनों 90-90 एंगल है, तो 90 एंगल इस ट्रायंगल का और 90 एंगल इस ट्रायंगल का ये इक्वल हो, तो मेरा एस ए एस रूल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखो एस ए एस इस ट्रायंगल के लिए कोई भी एक ट्रायंगल हम देख सकते हैं, बस वो कंप्लीट हो रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्रायंगल्स ले लिए, अदरवाइज कुछ प्रूव करने की जरूरत हो इनको कॉन्ग्रेट प्रूव करने से पहले, तो पहले
जो चाहिए हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, पहले वो प्रूव करना होता है, फिर उसको हम ट्राइंगल्स के अंदर यूज करते हैं जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले होते हैं उसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू सी बी, ये हमें गिवन था है ना। और क्या गिवन है, एंगल पी सी बी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, सिर्फ सी एंगल नहीं लिख सकते क्योंकि इधर को और इधर को दोनों तरफ जा रहा है वो, तो कौन से एंगल की बात करें वो लिखना पड़ता है। पी सी बी इक्वल टू पी सी ए, दोनों क्या है ईच 90 डिग्री। थर्ड थिंग क्या है, पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन, ये दोनों साइड्स कॉमन है, दो ये मतलब एक साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। सो हमारा प्रूव कौन सा रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल कौन सा जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, पी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC, अगर ये कॉन्ग्रेंट है इनके बाकी बार्स मतलब कि PA और PB जो हमें चाहिए एक्चुअल में पूछा गया है वही लिखने की जरूरत है, बाकी सभी पार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया वही लिखो बस। PA और PB इक्वल है बाय CPCD, अदरवाइज हम ये दोनों एंगल्स भी इक्वल लिख सकते थे इसके, ये भी लिख सकते थे है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीजें दो एंगल्स और एक साइड साइड बची थी दोनों में, तो जो हमें पूछा ही ये गया था पी ए और बी बी इक्वल हैं कि नहीं है वो हमने प्रूव कर दिया, तो हमने वही लिखा, बाकी दो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके और यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें गिवन और टू प्रूफ जो है क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, तो लेट्स मार्क इट इन द फिगर, ये फिगर ऑलरेडी दी हुई थी हमें, यहाँ पे नहीं दी थी हमने बनाई है, यहाँ पे दी हुई है। इन द फिगर हमें दिया हुआ है ए बी सी डी पैरेलल है, तो दिस इज गिवन, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ ए डी का मिड पॉइंट है, ये डैश डैश डाले ना, वन सिंगल डैश डाली दोनों ने, तो दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ डी है, मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ। ये हो गया सारा गिवन में, हमने प्रूव जो करना है वो लिखेंगे ये वाला, टू प्रूव में ये लिखेंगे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ। अच्छा ये करने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ, इससे जस्ट पहले हमने दो दो रूल किए हैं, एस ए एस और ए एस ए। एक रूल और होता है जो इसी एक्सरसाइज में यूज भी होगा, इस एग्जांपल में भी यूज होगा, वो क्या होता है ए ए एस, दैट इज एंगल एंगल साइड। ये कैसे यूज होगा इजीली यहां पे मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ही होगी एक तरह से इस रूल के लिए, ठीक है। I will draw the two triangles with different colors so that you can easily differentiate between the two. मेरा AAS rule complete होगा कि नहीं होगा देखते हैं, पहले देखिए हमारे पास ये दोनों sides equal दी हुई हैं, okay है, okay। अब क्या है हमें चाहिए, या तो हम ASA rule लगा सकते हैं, दो तरीके से जैसा हो सकता है। देखो ASA rule कैसे लगेगा, अगर हम इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है और ये एंगल इसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट एंगल्स के साथ हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स, सॉरी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमारा ए एस ए रूल कंप्लीट हो सकता है, उससे हो सकता है, बट हमने किससे करना है इसे, ए ए एस वाले रूल से। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला आप नहीं लेंगे, इसे रहने दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स लिए हैं वैसे ही ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रांसवर्सल चेंज कर दीजिए बी सी, तो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों भी तो हो जाएंगे ना। सो लेट अस ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर्स, एक बार ए बी पैरेलल टू सी डी और ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाले, और एक बार ए बी पैरेलल टू सी डी ट्रांसवर्सल चेंज, ट्रांसवर्सल इज बी सी नाउ, ये दोनों एंगल्स इक्वल। सो ये हमें ट्राइंगल को प्रूव करने से पहले प्रूव करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमने मैंने बताया था सीधा ही हमारे पास सारा कुछ था तो मैंने सीधा ट्राइंगल्स लिख दिए थे, पर ये अभी प्रूव करने पड़ेंगे, पहले ये एंगल्स इक्वल है, फिर हम ट्राइंगल्स वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के वक्त इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज गिवन, ठीक
टेकिंग एक बार ए बी पहले टू सी डी लिया, टेकिंग ए डी ट्रांसवर्सल, अगर ए डी ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो गए, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिमिलरली नाउ टेकिंग पैरेलल लाइंस वही ट्रांसवर्सल चेंज हो गई, नाउ टेकिंग बी सी एज अ ट्रांसवर्सल अगर बी सी ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से, बी और सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तीसरी साइड तो हमें दी हुई ऑलरेडी, तो हम सीधा ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, क्योंकि पहले वही पूछे है ना कॉन्ग्रेट प्रूफ करने के लिए। ए ओ बी में देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ डी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया ना, ये देखो कहां गया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओडी, गिवन लिखने की बजाय ऐसे लिख सकते हो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसलिए हम ओ ए इज इक्वल टू ओडी लिख रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, अब ये दोनों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों का सेम रीजन लिखेंगे, ऊपर लिख चुके हैं वैसे, अब क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी अबव प्रूव किया है हमें। तो यहां पे देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल सॉरी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड वाला रूल कंप्लीट हो रहा है बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, फर्स्ट थिंग हो गई प्रूव। नेक्स्ट आ जाएगा ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दैट मीन्स ओ बी सी का भी मिड पॉइंट है, ओ बी इज गुड ओ सी लिखना है, तो अब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं ना ओ बी इज गुड ओ सी, क्योंकि ओ ए ओ डी के बराबर है, तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल ऐसे पड़ा हुआ ऊपर उल्टा करके, तो इसीलिए इनकी ये वाली साइड उल्टी उल्टी साइड जो है इक्वल हो रही है, ये वाली इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगी, सो दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय सी पी सी टी, अगर ओ बी ओ सी के इक्वल है दैट मीन्स ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यहां पे देयर फोर का सिंबल डालो। तो बहुत ही सिंपल दो एग्जांपल्स हमने अभी अभी सॉल्व किए हैं, इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है यू कैन हैव मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल टेल यू, ओके, नोटेड डाउन। दिस इज द फर्स्ट सम ऑफ आवर एक्सरसाइज 7.1, सो इन दिस वी हैव द फिगर आल्सो, आई हैव नॉट ड्रॉन इट, सो लेट अस ड्रॉ इट। So in this figure, what is given? AC is equal to AD. ये दोनों sides equal दी हुई हैं. AB bisects A. That means this line is bisecting this whole angle. मतलब A एक ये पहले एक angle था, क्योंकि ये quadrilateral पहले ACBD बताया गया है. In the quadrilateral ACBD line पहले नहीं थी. क्या किया? बाद में ये line join की गई. ये line ने क्या किया? जो AB line join की गई, इसने angle A को दो equal parts में divide कर दिया. So it means this angle is equals to this angle, red is equals to green, और sides तो equal पता चल ही रही हैं, मैंने hash जो dash लगाई है, AC और AD equal दी हुई हैं, और एक और चीज क्या लिख सकते हैं हम, दोनों में common, AB, AB is common, so जो उन्होंने पूछा है ABC triangle ऊपर वाला और ABD triangle नीचे वाला, congruent prove हो सकते हैं, AC equal to AD, angle CAB is equals to angle DAB,
बिकॉज रीजन में क्या लिखेंगे, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमें गिवन है। तीसरी चीज क्या लिख सकते हैं, ए बी ए बी ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। ओके सो कौन सा रूल बन रहा है ये देखिए, एस साइड उसके बाद एंगल, फिर उसके बाद ये वाली साइड हमने कॉमन लिखी दोनों में, है ना। सो साइड एंगल साइड, ऐसे एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ये खुद करना है आपने। व्हाट यू कैन से अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी के बारे में फिर क्या लिख सकते हैं, अगर ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस बीसी और बीडी भी इक्वल होंगे। सो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद राइट बीसी इक्वल टू बीडी बाय सीपीसी। सो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ। So this is our next sum, that is the second sum of the exercise. So in this sum, in the figure 2, this is the figure 2. ABCD is a quadrilateral, that means iski baat ho rahi hai sirf bahar wale ki. Ye quadrilateral char sided figure hai. In which AD is equals to BC, AD or BC ye humne dashes dali hui hain, ye equal di hui hain hame. And DAB is equal to CBA. So DAB is equals to CBA. So ye hum different colors ke saath banayenge, main aapko reason bhi bataunga kyun. So let us draw this angle with this, and this angle is equal to this angle. Okay. हमारे पास अब मैंने स्केल भी एक अरेंज किया है, स्केल के साथ मैं आपको बना के दिखाऊंगा कौन कौन से ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और उनकी कौन सी साइड किसके एंगल इक्वल होगी, तो वो हम सारा करेंगे। ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल्स हैं हमारे पास जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ए बी डी। तो इसको हम क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एंगल रेड कलर का बनाया तो इस ट्राइंगल को भी मैं रेड कलर से बनाऊंगा। आपको होपफुली इजीली पता चल रहा होगा ये ट्राइंगल और नीचे वाला वो हम ग्रीन से बनाएंगे। सो इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला, रेड वाले ट्रायंगल का ये रेड एंगल और ग्रीन वाले ट्रायंगल का ये ग्रीन एंगल इक्वल दिए हुए हैं। ओके अब हमने जो सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। पहले हमने ट्रायंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने कैसे होंगे, देखो साइड्स इक्वल दी हुई हैं और ये एंगल रेड और ग्रीन इक्वल दिए हुए हैं, ये मतलब कि रेड एंगल इस ट्रायंगल का है, ग्रीन एंगल इस ट्रायंगल का है, ठीक है, और ये साइड रेड वाले ट्रायंगल की है, ये साइड ग्रीन वाले ट्रायंगल की है। ओके ये तो एक हो गया, तीनों दोनों में रेड और ग्रीन देखो, रेड और ग्रीन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ए बी साइड जो है वो ए बी डी ट्रायंगल की भी है और ए बी सी ट्रायंगल की साइड ए बी है ना, बी ए सी ट्रायंगल की भी साइड है ए बी, तो दोनों में कॉमन साइड ए बी है, तो दैट मीन्स हमारा जो ट्रायंगल है बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा पूरा सिंपल। तो गिवन तो आपको पता चल रहा होगा ना कैसे करना है, फिर भी बताता हूँ, ये है हमारा गिवन। और ये प्रूफ दैट में सारा टू प्रूफ में आएगा। ओके लेट्स मूव ऑन टू द प्रूफ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सब कुछ है, तो हम सीधा ट्राइंगल्स पे जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इनमें क्या ए डी और ए डी जो है ए बी डी ट्राइंगल की साइड है और बी सी जो है दैट इज द साइड ऑफ बी ए सी इक्वल दी हुई है ऑलरेडी हमें, तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। और क्या दिया हुआ है इक्वल, हमें ऑलरेडी एंगल्स भी गिवन है, इक्वल एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हमें गिवन है। तीसरी चीज जो मैं बताने वाला था बताई थी, ए बी साइड ए बी डी ट्रायंगल की भी है और ए बी साइड बी ए सी ट्रायंगल की भी है, तो दोनों में कॉमन साइड हो गई है, कॉमन साइड तो इक्वल होती होती है, तो दिस इज कॉमन। कौन सा रूल लगा, बाय एस ए एस,
ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर सिर्फ देखेंगे रेड वाले को तो उसमें एस ए एस बन रहा है, ग्रीन वाले को देखेंगे एस ए एस ऐसे बना दोनों में, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, बी डी और ए सी इक्वल प्रूव करने हैं। तो देखिए बी डी जो है रेड ट्राइंगल की साइड है, ए सी जो है ग्रीन ट्राइंगल की साइड है। ऑलरेडी हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो उसकी रिस्पेक्टिव साइड जो बची है वो भी इक्वल देख सकते हैं। तो सीधा इसको लिखिए, अब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हो गया बाय सीपीसीटी। और एक चीज पूछी इन्होंने, एबीडी, एबीडी कहां पे है पहले ढूंढो। एबीडी जो है दैट इज दिस एबीडी रेड ट्रायंगल का एंगल है वो, ये वाला इतना सा रेड ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और ग्रीन ट्रायंगल का बीएसी दिस एंगल। ठीक है, हो सकता है, क्यों, अंदर वाले एंगल है ना, बाहर वाले ये दोनों इक्वल होने चाहिए, अंदर वाले ये दोनों और उससे अंदर वाले तीन तीसरे तीसरे एंगल ग्रीन और रेड मैंने जो बनाए, तो ए बी बाय सीपीसीडी को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का पार्ट है, ट्राइंगल्स के पार्ट है ये। इसका भी रीजन बाय सीपीसीडी सेम है, हैंस रूट। इतना सा समझा, ये डायग्राम समझ में आने की देर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर भी समझ में ना आए रेड ट्रायंगल जो है अलग बना लीजिए, ग्रीन अलग बना लीजिए, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, रेड अलग बनाइए, ग्रीन अलग बनाइए, उनके मार्क एंगल्स जो है वो अलग अलग मार्क कीजिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो ये है हमारे थर्ड एंड फोर्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो चार क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, तो उनको करते करते हमारा आधा घंटा वैसे निकल जाएगा, आधा या 35 मिनट निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आज के लिए यही करेंगे। ओके, सो इन द फिगर थ्री, सो दिस इज द फिगर थ्री, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए डी एंड बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब है तो दोनों परपेंडिकुलर्स और इक्वल भी हैं, जो जितनी जितनी लेंथ इस परपेंडिकुलर की है उतनी ही लेंथ इस परपेंडिकुलर की है, दैट मीन्स ए डी इक्वल बी सी दिया हुआ है। तो हमने गिवन कैसे लिखना है, कई बार ऐसे होता है पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको समझ के जो हमें छोटा मोटा मोटा सा लिखना होता है ना जस्ट बताने के लिए, वो लिखना चाहिए, वो लिखो सिर्फ इन फिगर थ्री, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल परपेंडिकुलर्स है तो सीधा लिखो ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी है एंड बी सी भी परपेंडिकुलर टू ए बी है, और क्या दिया हुआ है, ए डी और बी सी भी इक्वल हैं, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, बस। ठीक है, जो पूरी लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कई बार प्रूफ क्या करना है वो भी समझना पड़ता है। शो दैट सी डी बाइसेक्स ए बी, सी डी जो है ए बी को हाफ हाफ तोड़ रही है, तो एक्चुअल में हमें प्रूफ क्या करना है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्रूफ करना है, ये हाफ में टूट रही है, कौन तोड़ रहा है वो अलग बाद में बात कर सकते हैं हम, पहले इनको इक्वल प्रूफ कर देंगे ना तो पता चल जाएगा, दैट मीन्स ओ इज द मिड पॉइंट, तो इस ओ के देखो सी डी जो है वो ओ पॉइंट पे टच करके निकल रही है, अपने आप ही हम बाद में लिख सकते हैं कि सी डी है इज बाइसेक्टिंग ए बी, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें देखिए क्या आप इन ट्राइंगल्स को इजिली प्रूफ कर सकते हैं, ये मार्क किया था मैंने, हटा देता हूँ क्योंकि ये प्रूव करना है, ऐसे लगेगा नहीं तो कि ऑलरेडी गिवन है। ओके, चलो टू प्रूव में आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एक्चुअल में पूछा गया है, और क्या लिखेंगे, सी डी बाइसेक्स ए बी, मतलब या तो ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दिया तो ये अपने आप ही हो जाएगा, और करके लिख दो असल में उन्होंने क्या पूछा हुआ। ओके, आ जाइए प्रूफ में, इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल बीओसी, मुझे पता है कि मैं
जो चाहता हूँ, मुझे रूल्स चाहिए जो, वो ऑलरेडी मुझे मिल जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ट्राइंगल से स्टार्ट किया। आप भी ऐसे देख सकते हो, इजीली पता चल रहा है ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये 90-90 गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी भी हमें गिवन है। तीन चीजें हो गई, देखो कौन सा रूल बन रहा है, एंगल एंगल साइड ए ए एस वाला, ओके तो यहाँ पे यूज करेंगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट एंगल ओबीडी ओबीसी सॉरी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, परपेंडिकुलर्स बताए थे ना, ईच 90 डिग्री हमें पता है, ये दोनों 90-90 हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी ये हमें गिवन है, सो बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल कौन कौन से AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है दैट मीन्स हम OA इज कुछ वो भी लिख सकते हैं जो असल में हमें क्या कहा गया है, अगर OA OB के बराबर है, ये पहले लिख दो पहले बाय OA OB के बराबर, दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट, CD O से ही पास कर रही है ना, सो इसका मतलब क्या हुआ, CD बाइसेक्स ए बी सी डी, ए बी को आधा आधा तोड़ रही है, ठीक है लिख सकते हैं, देयरफॉर सी डी बाइसेक्स ए बी, इजी सम बहुत इजी। अब आते हैं इस सम पे, फिगर फोर लाइंस एल एंड एम, ये है एल ये है एम, दो लाइंस पैरेलल ऑलरेडी दी हुई है हमें, आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस दो और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी, पी एंड क्यू, ये भी पैरेलल दी हुई हैं, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस उन्होंने बोला है, शो दैट ए बी सी इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए, ए बी सी दिस ट्राइंगल एंड इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए दिस अबव ट्राइंगल। ध्यान से अगर देखेंगे, अगर ये आपने वैसे खुद करना है, ये मैं सब समझाने वाला हूँ, ओके ट्राइंगल्स जो है हम डिफरेंट कलर्स से थोड़ा इसको बना लेते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल वैसे हमने लाइंस वाला लगाना है ना, आपको पहले समझाता हूँ, देखिए पहले चाहिए हमें लाइन एल पैरेलल टू एम और ये ट्रांसवर्सल हमारी, ओके लाइन एल पैरेलल टू एम एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ओके जेड बन रहा है ये, यो सॉरी एस बन रहा है ना, दैट मींस ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुए, इसको हम लिख लेते हैं एंगल वन एंड एंगल टू, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल वन, नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल टू हो गया इक्वल, एक तो ये चीज होगी, इसी तरह से हम रेड के साथ अब मार्क करते हैं, ट्रांसवर्सल वही रहेगी, ठीक है ये पैरेलल टू दिस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल फिर से ए सी ही रहेगी, क्या देख पा रहे हैं आप, ये भी जेड बन रहा है तो इसका इंटरनल एंगल और इसका इंटरनल एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगेन, तो ये दो ट्रायंगल्स जो हमने प्रूव करने थे एक्चुअल में, ये वाला और ये वाला, उनका 1 और 2 एंगल और 3 और 4 एंगल इक्वल हो गए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये पहले प्रूव करने पड़ेंगे, 1 और 2 और 3 और 4 अपने आपको पहले प्रूव करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि ये कैसे इक्वल लिखे आपने, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लिख के फिर आप लिख रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सिमिलरली ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन एंड ट्रांसवर्सल ए सी, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर आपने ये ट्रायंगल्स जब आपने प्रूव करने हैं कॉन्ग्रेंट उसमें यूज करने हैं प्रूव्ड अबव लिख के, जैसे हमने एग्जांपल में किया था, इन दोनों में ये देखिए ए सी साइड रेड कलर से कॉमन हो गई है, तो कौन सा रूल बन रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो सिर्फ एंगल साइड एंगल, ए एस ए रूल के साथ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, आपने खुद करना है इसको, ठीक है ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, आई विल टेल यू, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए सर कैसे करना है, देखिए अगर आपने कर लिया तो दिखाइए मुझे कि कैसे हुआ आपसे, मैं बताऊंगा कि आपने सही किया कि नहीं, ओके कई बार क्या होता है कहीं पे कुछ लाइंस लिखनी जरूरी होती है मिसिंग हो जाती हैं, तो वो मिस नहीं करनी हमने, लाइंस पेपर में लिखनी जरूरी होती है वो, ठीक है
तो ये एक सम आपने खुद करना है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने पहले भी छोड़ा है वो भी आपने खुद करना है। तो यहाँ आपकी आज की वीडियो खत्म होती है और आपने ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहना है, आपको ऐसे ही मैं मैथ्स इजियर इजियर बनाता रहूंगा। लेट्स मेक मैथ्स मोर एंड मोर इजियर देन एवर। दिस इज अ मोटो ऑफ आर अकेडमी, दैट इज द कमनीर अकेडमी। यू कैन फॉलो मी ऑन माई FB पेज ऑल्सो, आई एम कीप ऑन पोस्टिंग द न्यू वीडियोज देयर। अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं पहुँच पाती कोई वीडियो या नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, अगर उसने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, FB पेज लाइक कर दीजिए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।